नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पारशरी की। आज हम बात करने जा रहे हैं लघु पारशरी के अपने अंतिम वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे श्लोक नंबर 41 और श्लोक नंबर 42। पहले जान लेते हैं क्या कहते हैं ये दोनों श्लोक। कर्म लग्नाधि नेतारा वन्योन्याश्रय संस्थित हो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेद। श्लोक नंबर 41। धर्म लग्नाधि नेतारा वन्यान्याश्रय संस्थितो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेद। ये श्लोक नंबर 41 और 42 हैं। श्लोक नंबर 41 और 42 कहते हैं कि लग्नेश और दशमेश यदि परस्पर स्थान में हों, अथवा दोनों मिलकर एक ही स्थान में हों, तो दोनों तरह से राजयोग होता है। इसमें उत्पन्न होने वाला जगत प्रसिद्ध और विजयी होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। श्लोक नंबर 42 कहता है कि लग्नेश और नवमेश यदि परस्पर स्थान में हों, अथवा दोनों मिलकर एक ही स्थान में हों, तो दोनों ही राजयोग होते हैं, ऐसा मुनियों ने कहा है। इसमें उत्पन्न होने वाला विख्यात और विजयी होता है। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर एक मकर लग्न की कुंडली है। इस श्लोक की हम दो प्रकार से व्याख्या करेंगे। इस श्लोक को लेकर विद्वानों में दो मत हैं। पहली वाले मत से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, हम भी इसको कंसीडर करते हैं। चलिए पहले पहला मत जान लेते हैं, फिर दूसरा मत जानेंगे। पहला मत कहता है, श्लोक नंबर 41 कहता है, लग्नेश और दशमेश परस्पर स्थानों में हों। परस्पर स्थान का मतलब क्षेत्र संबंध। लग्न लग्नेश दशम स्थान में हो एवं दशमेश लग्न स्थान में हो, अथवा दोनों मिलकर किसी एक स्थान में बैठे हो, किसी एक इन बारह भावों में से कहीं पर भी। श्लोक ये कहता है इन बारह भावों में से कहीं पर भी बैठे हो। लेकिन अगर इसकी परस्पर बल को अगर देखेंगे या फिर उसकी स्थिति को देखेंगे, तो यदि ये नवम भाव में संबंध बनता है अथवा दशम भाव में बनता है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा कंपेरेटिवली टू अदर हाउसेज। अगर दशम में बनता है तो बेस्ट होगा, नवम में बन जाएगा तो उससे कम प्रभावशाली होगा, फिर पंचम में, फिर चतुर्थ में, फिर सप्तम में, फिर तृतीय भाव में, छठे भाव में, ग्यारहवें भाव में, द्वादश भाव में और अंत में अष्टम भाव में ये निष्क्रियता की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी जो कंडीशन है वो यदि क्षेत्र संबंध बनता है, दशमेश लग्न स्थान में और लग्नेश दशम स्थान में हो जाए। इस कुंडली के हिसाब से शनि दशम भाव में बैठ जाए और शुक्र लग्न भाव में बैठ जाए। पहला श्लोक, श्लोक नंबर 41। श्लोक नंबर 42 क्या कहता है? लग्नेश और नवमेश परस्पर स्थानों में हो। परस्पर स्थान का मतलब लग्नेश नवम भाव में और नवम भाव का लॉर्ड लग्न भाव में, अथवा ये दोनों किसी स्थान में बैठे हों। किसी स्थान में फिर वही परिभाषित करेंगे, यदि नवम भाव में होगा तो बेस्ट होगा, उसके बाद दशम भाव में। देखिए यहाँ पे नवम भाव ले रहे हैं क्योंकि नवम भाव और लग्न का संबंध बनना है। यहाँ पे दशम भाव को प्रायोरिटी पे लिया क्योंकि दशम भाव और लग्न का संबंध बनना है। तो इसी प्रकार से और दोनों ही स्थिति में अगर ये इन दोनों की युति लग्न भाव में हो जाती है तो बेस्ट रिजल्ट होंगे। अगर युति संबंध की बात करें, अगर सहावस्थान संबंध की अगर बात करें, तो लग्न स्थान में सहावस्थान संबंध बहुत उत्तम होता है। देखिए इस 41 और 42वें श्लोक की, क्योंकि राजयोग की हम पहले बात कर चुके हैं, लघु पारशरी ने बात करी थी, तो यहाँ पर क्या आवश्यकता है? यहाँ पे पहले मत के अनुसार या हमारी बुद्धि विवेक के अनुसार जो हम समझ पा रहे हैं, उसमें लग्न के महत्व को दर्शाया गया है। इट मीन्स पहले भी देखी बात करी थी हमने कि जब भी योग बनते हैं ना, कोई सा भी राजयोग हो, शुभ योग हो, योग कारक स्थितियां हो, जब तक लग्न या लग्नेश का संबंध उस योग से नहीं बनता है, तब तक बहुत प्रभावशाली हो नहीं पाता वो योग। तो लग्न यदि इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि
एक दो चीजें होती हैं, एक भोग होता है और एक भोक्ता होता है। भोग को भोगने वाला भोक्ता होता है। तो इसमें कुंडली में अगर बात करी जाए तो लग्न किसी भी फल का भोक्ता होता है। तो जब तक लग्न का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना संबंधित योग से, तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक योग मैच्योर्ड होगा नहीं, तब तक उसका पूर्ण फल व्यक्ति को मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अंतिम श्लोकों में ये दर्शाया गया है, ये बात की गई है कि आपने पूरी लघु पार्षद पढ़ ली, सारे सिद्धांत समझ लिए, सब कुछ जानने के बाद आपको ये जानना परम आवश्यक है कि जब भी योग बने तो उसमें लग्न का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो जाए। भले ही देखिए अभी जो बात आई है, किसी लग्नेश और नवमेश मिलकर किसी भी स्थान में बैठ जाए, किसी स्थान आया है लग्नेश एवं दशम भाव का स्वामी, किसी भी स्थान में बैठ जाए। तो किसी भी स्थान से मतलब ये है कि अगर कमजोर या पापी स्थान में अगर ये बैठ जाएंगे तब भी उसका योग का फल मिल जाएगा, जातक को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भोक्ता इन्वॉल्व है, लग्न इन्वॉल्व है। जब तक लग्न इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक पूर्ण फल मिल नहीं पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये बात यहीं पर कंप्लीट हो गई, ये हमारे हिसाब से और कुछ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनती है। अब अन्य जो मत है या और अन्य एस्ट्रोलॉजर्स जो इसकी व्याख्या करते हैं उसके हिसाब से एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे। ये बात लेकिन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी व्याख्या भी करेंगे और उसके ड्रॉबैक को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक नई कुंडली ले लेते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर एक कन्या लग्न की कुंडली है। देखिए यहाँ पर चार बातें कही गई हैं और तीन भावों को शामिल किया गया है। यहाँ पे बात आई है एक तो लग्नेश की, लग्न भाव का अधिपति, लग्न भाव का अधिपति जैसे इस कुंडली में बुध। दूसरा आया है नवम भाव का अधिपति इस कुंडली में जैसे शुक्र। और तीसरा भाव लिया गया है दशम भाव का अधिपति जिसका कि लॉर्ड है, जिसका कि स्वामी है बुध इस कुंडली के अनुसार। लग्न, दशम भाव और नवम, इन तीन भावों से चार प्रकार के योगों की बात की गई है जो कि कुंडली के राजयोग होते हैं, या ये कहें कि ये कुंडली के विशिष्ट राजयोग होते हैं। पहली बात कही गई है कि लग्नेश और दशमेश दशम में हो। लग्नेश और दशमेश इसका मतलब बुध, यहाँ पर कोई और भी हो सकता था। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नवांश कुंडली की बात करते हैं तो नवांश कुंडली में सूर्य और बुध लग्नेश और दशमेश दशम भाव में स्थित हों। सूर्य और शुक्र यदि दशम भाव में स्थित हो जाएं, पहली बात, एक प्रकार का राजयोग का निर्माण होता है, एक विशिष्ट प्रकार के राजयोग का निर्माण होता है यदि लग्नेश और दशमेश दशम भाव में स्थित हो जाएं, अथवा लग्नेश और दशमेश लग्न में स्थित हो जाएं, दूसरे प्रकार का राजयोग हो गया, दूसरे प्रकार का विशिष्ट राजयोग हो गया। इन दोनों के स्वामियों की बात हो रही है, प्रथम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। पहला राजयोग तो तब बन सकता है जब ये दशम भाव में स्थित हो जाएं दोनों के स्वामी, और दूसरे प्रकार का राजयोग हो गया कि ये इन दोनों के स्वामी लग्न में स्थित हो जाएं। तीसरे प्रकार का राजयोग हो गया कि नवमेश और दशमेश दशम भाव में हो। नवमेश और दशमेश इस कुंडली में बुध और शुक्र दोनों दशम भाव में हो। ये तीसरे प्रकार का राजयोग हो गया कि नवम और दशम दशम भाव में स्थित हो। और चौथे प्रकार का राजयोग हो गया कि नवम और दशम नवम भाव में स्थित हो। ये चार प्रकार के विशिष्ट राजयोगों की बात की गई है। देखिए यहाँ पे इन तीन भावों को लेने का क्या अभिप्राय है? देखिए जब हमने बात करी थी केंद्रों की, तो केंद्रों में सर्वोत्तम बलि केंद्र होता है दशम भाव, और त्रिकोणों में सर्वोत्तम बलि होता है नवम भाव। तो त्रिकोणों में सर्वोत्तम बलि नवम और केंद्रों में सर्वोत्तम बलि दशम, और तीसरा अद्वितीय सबसे बेस्ट भाव ऑफ द होरोस्कोप लग्न। तीनों को शामिल किया गया है, तीनों के घटित होने से, तीनों के प्रभाव से एक राजयोग के निर्माण की बात की गई है।
श्लोक नंबर 41 और 42 ये सूचना देते हैं कि कुंडली का बेस्ट जो तीन भाव होते हैं, सर्वोत्तम जो तीन भाव होते हैं, वह होता है क्रमानुसार अगर बात करें तो सबसे नंबर वन प्रथम स्थान पे लग्न, लग्न भाव या लग्नेश, उत्तरोत्तर द्वितीय स्थान पर नवमेश या नवम भाव, और तीसरे स्थान पर दशमेश अथवा दशम भाव। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। देखिए, लग्न के साथ दशम भाव क्यों लिया गया, लग्न के साथ नवम भाव क्यों नहीं लिया गया, ये जब बात आ रही है ना, ये बात की जा रही है चार विशिष्ट प्रकार के राजयोगों की। लग्न के साथ दशम भाव को जोड़ा गया है क्योंकि अगर नवम और दशम में अगर बात की जाए तो नवम से दशम से नवम अधिक बली है। अगर शुद्धता में बात करी जाए, अगर पावर में बात करी जाए, अगर इसके गुणों की बात करी जाए, जैसे हमने क्रम की बात करी थी, लग्न फिर नवम भाव फिर दशम भाव, इसीलिए लग्न, क्योंकि लग्न में त्रिकोण और केंद्र दोनों के गुण होते हैं, इसलिए लग्न के साथ जब कॉम्बिनेशन की बात आई है तो दशम भाव की बात की गई है, नवम के साथ जब कॉम्बिनेशन की बात आई है तो दशम की बात की गई है। तो इट मीन्स कि दशम को चारों योगों में शामिल किया गया है, दशम भाव को चारों योगों में शामिल कर लिया गया है। यदि लग्न और नवम की बात आती तब भी राजयोग का निर्माण होता और इससे बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर चारों योगों को एक पायदान पर रखकर या एक लेवल पर रखकर बात की जा रही है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, केंद्र भावों के महत्व को हम बता चुके हैं, त्रिकोण भावों के महत्व को बता चुके हैं। इस वाले श्लोक में केवल जो बात हो रही है वो हो रही है इसके महत्व को और बल प्रदान करने के लिए। अदरवाइज अगर बात करें तो 41वें श्लोक में ये आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों एक साथ स्थित हों तो अगर संबंधों की बात करी जाए तो ये सहावस्थान संबंध की बात की जा रही है। अगर इसी कुंडली की अगर बात करें तो नवम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है, शुक्र दशम भाव में स्थित है, और दशम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में स्थित है, तो इन दोनों में क्षेत्र संबंध बनता है। यदि संबंधों की बात करी जाए तो सबसे सर्वोत्तम संबंध बन रहा है और सबसे सर्वोत्तम भावों के बीच में बन रहा है। तो इन चारों विशिष्ट राजयोगों से इस कुंडली का जो राजयोग है वो अधिक बलवान है, वो अधिक पावरफुल है। तो ये सर्वोत्तम की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर जो बात आ रही है ये विशिष्ट राजयोग, जो कि जिसमें कि लग्नेश, नवमेश और दशमेश, लग्नेश, नवमेश और दशमेश, इन तीनों के महत्व को दर्शाया गया है। अगर इसी कुंडली में नवम भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो रहा है, ये भी एक उत्तम राजयोग का निर्माण करता है। यदि लग्न भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो जाता तो इन चारों विशिष्ट राजयोगों से कहीं अधिक पावरफुल राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता, उससे दशम भाव का भी संबंध बन जाता तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन ओवरऑल इन श्लोकों की अगर बात करें, श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 को, तो यहाँ पर चार प्रकार के राजयोगों की चर्चा की गई है जिसमें लग्न, नवम भाव और दशम भाव को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारी लघु पाराशरी के सभी श्लोक समाप्त हो चुके हैं। लघु पाराशरी का जो सीरीज चल रही थी वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम एपिसोड नंबर 14 की सीरीज चलाएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे भृगु संहिता की। भृगु संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो प्रत्येक राशि में लग्नों के आधार पर विभिन्न भावों में ग्रहों का फलाफल क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। तो हम भृगु संहिता के अनुसार बात करेंगे, कुछ अपने अनुभवों की भी बात करेंगे, कुछ सिद्धांतों की भी बात करेंगे, क्योंकि भृगु संहिता में कहीं भी सिद्धांतों की बात नहीं की गई है। भृगु संहिता में केवल ये बता दिया गया है कि कन्या लग्न हो और बुध नवम भाव में बैठा हो तो क्या फल होगा, कन्या लग्न हो और मंगल द्वितीय भाव में बैठा होगा तो क्या फल होगा, कन्या लग्न हो चंद्रमा और शनि तृतीय भाव में बैठे होंगे तो क्या फल होंगे। ये जब आप प्रेडिक्शन करेंगे ना तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता महसूस हुई कि इस सीरीज को लेने की और भृगु संहिता आप तक पहुंचाने की। भृगु संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि केवल
प्लेसमेंट के आधार पर भी आप प्रिडिक्शन करते हैं और वो काफ़ी हद तक व्यक्ति पर अप्लाई भी होते हैं और फलादेश भी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे क्योंकि भृगु संहिता अपने आप में बहुत पुराना ग्रंथ है, तो उसको जो भी हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार उसको अपडेट कर पाए हैं चीज़ों को, उसके आधार पर हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आज लघु पारश्री के अंतिम श्लोकों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम भृगु संहिता के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।